अपना हिंदुस्तान में मतलब अपन खतरा है, यू किस प्रकार का सिस्टम है? बिल्कुल बिल्कुल खतरा है। कितने साल से पत्रकारिता कर रहे हो आप? क्या हिंदू धर्म की रक्षा के जो ये ठेकेदार, मैं कहूंगा एक बारी हिंदू हिंदू ना बेवकूफ कहने लग रहे हो, फिर समझांदे क्यों नहीं? हिंदू ने समझाओ कि भाई तुम बेवकूफ हो। भाई हिंदू धर्म के रक्षक यहाँ पे हमारे साथ बैठे हैं। अरे हिंदू भाई हैं जो कुछ बेवकूफ बात में हिंदू मर जाए है, इन रक्षा का होंगे होंगे वो हिंदू कुकर मर गए भाई, देश लिकाड़ा देना न रहता हूँ मुसलमाना ने। भाई मैं हिंदू हूँ। और यहाँ से मैं जाने लग रहा था, एकदम दिखाई दिया हिंदू टाइगर फोर्स, यानी कि हिंदू के रक्षा करने वाले, हिंदू धर्म के रक्षा करने वाले। कुछ चित्र यहाँ पे आप देख रहे हैं, कुछ फोटोज यहाँ पर देख रहे हैं, और ये फोटो देख लो, हिंदू अरे स्मार्ट जितेंद्र पंगाल उर्फ सरदारा भाई, इनते पूछ ले भाई भीतर जाकर ने के भाई कितनी की रक्षा करने आ रहे, आजा अंदर जाकर देखा भी गए के कुछ कर रहे हैं भाई है। अच्छा पाला दी साइड दिखा भाई, राम मंदिर देख ले, और फिर एक बार ये दिखा दे भाई, हिंदू टाइगर फोर्स जिंदाबाद, और ऊपर उस लाइन पे जूम कर दे भाई, जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। इस लाइन के ऊपर बहुत बड़ा सवाल खड़ा होगा, हिंदू हिंदू भाई भाई क्या बात, मुसलमानों का ये देश नहीं है? सारी बात इनसे पूछ लेंगे, सारी बात न जाने कितने संगठन, न जाने कितने कितने इस प्रकार के जो है संगठन चलन लग रहे हैं, जो कि ये दावा कर रहा है कि हम अपने धर्म को बचाएंगे। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। पहला तो अपना भाई पूरा परिचय दे दे। मेरा नाम जितेंद्र पंगाल, हिंदू टाइगर फोर्स संगठन मंत्री, संगठन मंत्री, राष्ट्रीय संगठन मंत्री। हाँ। अच्छा एक लाइन लिखी देखी भाई, हिंदू हिंदू भाई भाई के बात भाई, अपना मतलब देश में जमाए देश लिकाड़ा देना न रहता हूँ मुसलमाना ना। भाई मैं हिंदू हूँ। हाँ। और मेरा सबक है मेरे हिंदू भाई आता ही, जो कि जात पात फलान लग रहे हैं। अच्छा। कि यो ब्राह्मण यो नाई यो खाती यो तेली यो मणियार यो धोबी, उनके लिए यह लाइन लिखवाई मैंने, उनके लिए सबक है कि भाई हिंदू हिंदू भाई भाई, जात पात की करो विदाई, यार जाती हम क्यों बढ़ने लग रहे हो, हम सब भाई हैं। अच्छा। हाँ। अगर धर्म में क्यों बढ़ने लग रहे हो, चल जात में नहीं बढ़ते तो धर्म में क्यों बढ़ने लग रहे हो? हमारे सुने मैं बताऊँ, एक मुसलमान पे किसी पर जाके ये पूछना आप कि भाई तेरी क्या जाति है, अच्छा तो वो ये बताओगा कि मुस्लिम हूँ मैं। अच्छा। मारे हिंदू भाई हैं जो कुछ बेवकूफ वो कास्टम बन गए। हाँ। मैं धोबी मैं तेली यो मैं मणियार, ये पहले ही बता दिया। मतलब हिंदू हिंदू ना बेवकूफ कहने लग रहे हो, फिर समझांदे क्यों नहीं? हिंदू ने समझाओ कि भाई तुम बेवकूफ हो। हिंदू ने बेवकूफ सब नहीं कहना, मैंने को कुछ हमारे भाई हैं जो इनके गलत फहमी है जात पात की, उनने कहने लग रहा हूँ। अच्छा। कि भाई जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। अच्छा। अगर मुसलमान का भी धर्म है वो ये कह रहा है कि मैं मुस्लिम हूँ, तो हम भी नहीं कह सकते कि हम हिंदू हैं। अच्छा। इसलिए ये लाइन लिखी कोई। अच्छा, मतलब यह मोर लगानी पड़ेगी कि भाई दूसरे ने बताना पड़ेगा कि भाई मैं हिंदू हाँ। मतलब एक बात बताओ, अगर सुनो एक मिनट, चल अगले दिन मैंने बता दिया भाई मैं हिंदू हूँ, मैं जब हिंदू बनूंगा उससे पहले हिंदू को नहीं मैं? भाई सुन मेरी बात है, ये लिखण का मकसद नहीं सोचा तूने, वैसे लग रहा तू तो कि भाई जो जात पात से अपने समाज में जो बुराई फैल रही है उनको खत्म करो, और जितने भी हम हिंदू हिंदू हैं वो भाई भाई हैं, हिंदू हिंदू भाई भाई, इसलिए यह लाइन लिखवाई गई। अच्छा, इसका मतलब आप संगठन चलाने लग रहे हो समाज के अंदर से बुराई खत्म करने के लिए। हरियाणा प्रदेश में हमने पहले कभी नहीं सुना था भी दंगे होंगे, जात पात का तो माहौल हमने देखा था कि भाई कहीं ना कहीं जात पात का थोड़ा बहुत वो है हरियाणा में, लेकिन ये दंगे जो मेवात का ताजा मामला जिसके अंदर की न जाने कितने संख्या में अपने हिंदू भी मरे हैं, मुसलमान भी मरे है, आपने ज्यादा जानकारी पाओ क्योंकि आप धर्म में थोड़ा ज्यादा इंटरफेयर रखो ना। मुसलमान की कोई खबर नहीं आई, ज्यादा कर जितने मरे हैं हिंदू भाई मरे। अच्छा। वहाँ पुलिस वाले मरे हैं, लेडीज कांस्टेबल मरी है, होमगार्ड वाले मरे हैं, हिंदू मरे कहने मतलब 1.5 साल का एक बच्चा जिसकी कोई जात कोई धर्म नहीं होती बच्चे की, वो जिंदा जला दिया गया है। अच्छा, हिंदू उसकी कोई जात नहीं होती, कोई जात नहीं होती, बच्चे ही कोई जात नहीं होती, बच्चन जो राजी बोल लगा वो ही उसका है। अच्छा। वो अगर तेरा बच्चा है और उसको मैं राजी बोलूंगा कि बेटा खिलाऊंगा। अच्छा। तो उसने ये नहीं है कि तेरा बाप में रिश में फर्क है। अच्छा। वो दोनों ने एक साथ प्यार करेगा। अच्छा। तो वो बच्चा था तो उस बच्चे का तो उस टाइम तक कोई धर्म नहीं था, बड़े का तो मान लिया भाई ये हिंदू धर्म है ये मुसलमान है, लेकिन एक बच्चे को मारना कितना बेहद घिनौना अपराध है ये पता आपको? बिल्कुल पता है। मैंने क्या धारा लगा फिर आप बता दो।
नहीं आप कह रहे ना पता है तो क्या क्या धारा लगा उस पर बच्चा धारा का तो मैंने बेरा नहीं, एक मिनट एक बात करूंगा सवाल आप पूछूंगा इसी बात पर दोबारा घुमा के लाऊंगा। भाई हिंदू धर्म के रक्षक यहाँ पे हमारे साथ बैठे हैं, ना जाने हरियाणा में ऐसे कितने संगठन है जो कि ये दावा करते हैं कि हम हिंदू धर्म की रक्षा करते हैं। क्या हिंदू धर्म की रक्षा के जो ये ठेकेदार मैं कहूंगा एक बारी फिर ये सिद्ध करेंगे भाई हम ठेकेदार नहीं है, रियल में हिंदू के रक्षक है कि भाई मेवात में हिंदू मरते हैं इन रक्षा का होंगे होंगे वो हिंदू कुकर मर गए भाई तमें तारो होंगे होंगे कुकर मर गए भाई मैं तम पहुंचे को नहीं उड़ा। यह सवाल तेरा बहुत राइट पूछने का है, यो सरकार ने जो प्रशासन था उसने सारे नियथे बना दिए थे। अच्छा हिंदुओं के जो झंडे भकमा तिरंगे झंडे जो टंग रहे थे हाथों में उनमें से डंडे निकलवा दिए थे झंडिया मत भी और सारे नियथे कर दिए गए थे और नियथा आदमी कब कितनी रक्षा कर सका हथियारों के आगे मैं तेरा लठता मारने लग जाऊंगा। अच्छा तो नू बता तू कितनी बार बचाव कर लेगा खाली हाथ? ना बचाव तो कौन कर पाऊं नहीं कर पाऊंगा। वो ये सेम कहानी बनी है कि हिंदू जितने भी शोभा यात्रा में जा रहे थे अच्छा। वो अपने शांतिपूर्वक एक यात्रा निकालने के लिए गए थे और जो कि नियथे थे और नियथे को मारना तो एक ठीक है ठीक है। अच्छा वो जो शोभा यात्रा निकालने गए थे क्या वो पाकिस्तान में गए थे? नहीं वहाँ हमारा एक वर्षों पुराना मंदिर है अच्छा पहाड़ियों के बीच में ठीक है शिव भगवान का ठीक है जिसको हम पूजते हैं वहाँ एक शोभा यात्रा सामने के बिना में हर साल निकाली जाए। हिंदुस्तान में होगी वो जगह? हाँ हिंदुस्तान में। ऐसी क्या स्थिति क्रिएट होगी कि भाई हम हिंदुस्तान में रह करके अपने आप को खतरनाक मतलब रक्षा नहीं मतलब वो महसूस कर रहे हैं डरे हुआ महसूस कर रहे हैं अपने हिंदुस्तान में मतलब अपना खतरा है यू किस प्रकार का सिस्टम? बिल्कुल बिल्कुल खतरा है। कितने साल से पत्रकारिता कर रहे हो आप? डेढ़ साल हो गया। डेढ़ साल में कितना क्राइम देखा आपने कि कहीं भी देखोगे कि मुसलमान ने हिंदू को मार दिया चकुओं से मार दिया पत्थर ईंट से मार दिया कितनी लड़कियों को जिंदा जला दिया रेप करके सूटकेसों में भर के भगा दिया फ्रिजों में रख दिया गया ये कर्म किसने करे आप एक बताना मेरे को आप क्या क्या, क्या एक मिनट हाँ। क्या ये कर्म हिंदू नहीं करता? नहीं एक ये बताओ किसने करे ये कर्म ये बताओ मेरे को जो मैं बता रहा हूँ ये कर्म नीच मानस ने करे जिसने की भाई समाज उसकी जाति क्या थी? उसकी जाति वह होगी नकम्मा मानस हो गया उसकी जाति क्या है? उसकी जाति क्यों नहीं है वो कौन से धर्म से था? किसी भी धर्म तो गलत काम करनी है तो गलत से था कौन से धर्म था यह बता यार तू बात ने में धर्म में क्यों मानने लग रहे हो धर्म क्यों बढ़ाने लग रहे हो दुनिया ने उसने उसका जो है सुन आइडेंटिटी कार्ड है सुन मेरे भाई उसका आइडेंटिटी कार्ड में क्या लिख रखा था क्या नाम था उसका? आइडेंटिटी कार्ड में कुछ भी हो जिसने क्राइम करे वो होगा चाहे हिंदू चाहे मुसलमान हो। नहीं मुस्लिम था कि नहीं था? कौन था मुस्लिम? नहीं जितने ये कांड करे गए वो मुस्लिम थे कि नहीं थे? हिंदू भी कर सके जो कांड है जरूरी थोड़ा है मुस्लिम कर रहा है दिखा मैंने एक भी हिंदू नु दिखा मुसलमान की लड़की कहीं मारी है कोई मुसलमान मारा है कहीं कोई अपराध करी अब दिखा मेरे को बता ये तो हाईलाइट कौन है जिद लग के मामले है ना। एक मिनट भाई हाँ बोलो तुम बोलो तू हिंदू है? हाँ मैं हिंदू हूँ। बोल तने कदे किसी कुत्ता मारा है? कौन मारे भाई है? मार देगा बे मतलब क्यों मार दे मेरा दिमाग फिर पता है मेरा दिमाग मतलब ये अपनी गायन काटन ला रहे वो के है या बता इसका जवाब दे मैंने फिर वो अपने वो गलत काम हुए कर दे होंगे नहीं तो उनकी सजा होना प्रधान भी बताओगा प्रधान।